लो लाइव्स कहानी की शुरुआत में हमें मेलियोर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग रहा था। उसका पीछा कोई कातिल कर रहा होता है और तभी वो मेलियोर को पकड़कर उसका गला काट देता है और उसे घसीट कर ले जाता है। अगली सुबह हम उसी जंगल में एक फैमिली को देखते है जो की अपने कैंपर वैन से ट्रेवल किया करते थे और वहाँ पर रुक कर वैकेशन मना रहे थे। उस फैमिली में एक कपल कीथ और कैथलीन होते हैं और उनके दो टीनेज बच्चे एमी और जेफरी थे। कीथ अपने परिवार के लिए मीट को रोस्ट कर रहा था और जब वो तैयार हो जाता है तो वो अपनी बीवी और बच्चों को वो सर्व करता है। तभी वो देखते हैं कि एमी अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पर बात कर रही है, तो कीथ उसे बुलाता है कि खाना ठंडा हो रहा है तो वो खाना खा ले। एमी उससे कहती है कि उसका पेट फुल है, इसीलिए वो वहाँ से थोड़ा दूर चली जाती है स्मोक करने के लिए। जेफरी के पास ढेर सारी चॉकलेट्स होती है क्योंकि उसे चॉकलेट का बहुत शौक था, लेकिन हम देखते हैं कि वो चॉकलेट्स को खाता नहीं। तभी उनके कैंपर वैन के सामने दो बंदे आ जाते हैं जो कि पास ही के गांव में रहा करते थे और उनका नाम बिली और बर्न होता है। वो दोनों वहां अपने परिवार के मेंबर मेलियोर को ढूंढ रहे थे जो कल रात इसी जंगल में आया था और वो गायब हो गया था। वो उन लोगों को देख कर उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने उनके भाई मेलियोर को देखा है, तो वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पर किसी भी आदमी को नहीं देखा। वो दोनों बंदे काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, इसीलिए वो परिवार काफी डर जाता है और उनसे कहता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन तभी अचानक बिली के पास जेफरी आता है जो कि उसे चॉकलेट ऑफर करता है और बिली उसे देखकर चॉकलेट को खाने लगता है। बिली उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग कहाँ से आए हैं। तब वो बताते हैं कि वो लॉस एंजलस से यहाँ पर वैकेशन मनाने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पर एमी भी आ जाती है और एमी को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा स्टाइल मारने लगते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार शहर की लड़की को देखा था। केस समझ जाता है कि यहाँ से मामला गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए वो एमी को वापस अपने कैंपर वैन में जाने का कहता है और वो उन दोनों बंदों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब वो बंदे वहाँ से चले जाते हैं तो वो सभी सामान पैक करके तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं और जब वो ड्राइव करते हुए रोड पर पहुँचते हैं तो उन्हें दोबारा से वर्न और बिली मिलते हैं जिनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, तो वो उनसे मदद मांगने के लिए आते हैं। बिली किस से कहता है कि दरअसल उनकी गाड़ी खराब हो गई है तो क्यों ना वो उन्हें लिफ्ट दे दे ताकि वो वहाँ पर मदद ला सके। ये सुनकर कैथलीन कीथ को कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे क्योंकि उनकी एक जवान बेटी भी है तो वो लोग कुछ गड़बड़ कर देंगे। ये सुनकर कीथ उनसे कहता है कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तभी बिली उसे एक ऑफर देता है और उसे कहता है कि वो उसके छोटे भाई को अपने साथ ले जाए और जब वो घर पहुँच जाएगा तो वो किसी को लेकर आएगा और वो यहाँ से चला जाएगा। जब वो ये सुनते हैं कि वो एक बंदे को अपने साथ ले जाने के लिए कह रहा है तब कीथ मान जाता है और वो वर्न को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। वर्न जब उनकी गाड़ी में बैठता है तो जेफरी उसके साथ एक गेम खेलने लगता है जहां उन्हें कुछ एडजेक्टिव्स के नाम बोलने थे। अब वर्न इतना पढ़ा लिखा नहीं था जिसकी वजह से वो ये गेम नहीं खेल पाता। कीथ वर्न से पूछता है कि आखिर उसका घर कहाँ पर है और उसमें कितने लोग रहते हैं, तो वो उसे बताता है कि उसका घर गाँव से बहुत दूर है और वहाँ पर उसके दादा और उसकी दो और बहनें हैं जिनका नाम जूली और सवाना है, और सवाना उसकी छोटी बहन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और जूली का पति भी उनके साथ ही रहता है जिसका नाम बिग मैक है। तभी अचानक जेफरी उठता है और अपने जेब से चाकू निकाल कर उसे स्टैब कर देता है और जोर से हंसने लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि दरअसल वो पूरी फैमिली ही कातिल है जो कि शरीफ बनने का नाटक कर रही थी और उन सभी ने मेलियोर को भी उसी जंगल में मारा था और अब वर्न को भी उन लोगों ने मार डाला था। उसके बाद वो लोग अपनी कैंपर वैन को एक सुनसान जगह पर रोकते हैं जहां पर वो वर्न के बॉडी पार्ट्स को काटते हैं ताकि वो उसे पकाकर खा सके। एमी को इंसान की आंखें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, इसीलिए उसका पिता उसे वो आंखें देता है और उससे कहता है कि वो इसे डिजर्व करती है। इससे एमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब वो उनके घर में जाएंगे जहाँ एक एक करके वो उन सभी फैमिली मेंबर्स को मार डालेंगे और उनको खाना बनाएंगे। इधर उस घर में जूली और सवाना रात को डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वो लोग बातें करते हैं कि न जाने अभी तक बिली और बर्न वापस क्यों नहीं आए। तभी अचानक उनकी डोरबेल बजती है तो जूली दरवाजे पर जाती है और देखती है कि वहाँ पर बिली नहीं बल्कि वो फैमिली मौजूद है। वो उनसे पूछती है कि आखिर वो लोग कौन है, तो वो बताते हैं कि दरअसल वो यहाँ से ट्रेवल कर रहे थे लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई
और उन्हें उसका भाई बिली भी मिला था जिसने उन्हें कहा कि उसका घर पास में ही है तो वो उनकी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर जोली उनसे कहती है कि बिली यहाँ पर क्यों नहीं आया, तो वो उसे बताते हैं कि दरअसल बिली अपने दूसरे भाई को ढूंढने के लिए चला गया। ये सुनकर वो लोग उन्हें अंदर बुला लेते हैं और वो सभी उनसे कहते हैं कि वो साथ में ही डिनर करेंगे। अब ये सब तो कैनिबल्स थे जो कि इंसान का मांस ही खाते थे और इन्हें वेजिटेरियन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो उनकी झूठी तारीफ करते हैं कि उनका खाना बहुत ही अच्छा है। सवाना को उनकी बातों से लग रहा था कि शायद वो लोग झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो उनसे कहती है कि वो सच बताएं कि आखिर उसका भाई कहाँ पर है। तो वो बताते हैं कि दरअसल उसके दोनों भाई स्प्लिट हो गए थे मेलियोर को ढूंढने के लिए। तभी अचानक वहाँ पर जूली का पति आता है जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो काफी बड़ा इंसान था। जूली उसे बताती है कि ये उसका पति है बिग मैक, जो कि पूरे दिन खेतों में काम करता है और रात को घर पर आकर बहुत खाना खाता है। इधर बिली बर्न का फोन मिला रहा होता है कि वो घर पहुंचा या नहीं, लेकिन इस फैमिली ने उसका फोन तोड़ दिया था। तभी बिली के पास एक डिप्टी आता है जो कि उससे पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो उससे कहता है कि वो यहाँ पर अपने भाई को ढूंढने के लिए आया है और उसके दूसरे भाई को उसने कुछ विजिटर्स के साथ अपने घर में भेज दिया है। डिप्टी उससे पूछता है कि क्या उसे लिफ्ट चाहिए, तो वो डिप्टी से कहता है कि वो उससे लिफ्ट कभी नहीं लेगा, उन लोगों ने उसके भाई को ढूंढने में जरा भी मदद नहीं की। ये सुनकर डिप्टी वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि बिली को उल्टी आने लगती है। दरअसल जेफरी ने जो चॉकलेट उसे दी थी उसके अंदर पॉइजन था जो कि धीरे धीरे इंसान को जान से मार डालता था। इधर एमी उनसे कहती है कि उसे रेस्ट रूम यूज करना है और सवाना उसे रेस्ट रूम में ले जाती है जहाँ पर एमी स्मोक करती है और वो अपनी आंखों का थैला वहीं पर भूल जाती है। जब वो बाहर आती है तो सवाना उसका इंतजार कर रही थी और वो उससे कहती है कि उसके हाथ बहुत ज्यादा नर्म है। इससे हम जान पाते हैं कि दरअसल सवाना और वो दोनों ही लेस्बियंस हैं। तभी वहाँ पर जूली आ जाती है जो कि उन दोनों को अपने साथ ले जाती है और सवाना से कहती है कि वो गेस्ट को पियानो बजाकर दिखाए। सवाना जब पियानो बजाती है तो सभी उसके धुन सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और उसके बाद ग्रैंपा सभी को रूम दिखाने के लिए कहते हैं ताकि वो रूम्स में सेटल हो सकें। कीथ और कैथलीन को वो अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें एक रूम देते हैं। वो जेफरी को एक छोटा सा रूम देते हैं जिसमें वो रहने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जूली सवाना से कहती है कि अब कोई रूम खाली नहीं बचा है तो उसे एमी के साथ अपना रूम शेयर करना पड़ेगा। ये सुनकर सवाना हैरान हो जाती है और उससे मना करती है, लेकिन एमी उससे कहती है कि उसे रूम शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। इधर कैथलीन काफी परेशान होती है जो कि इससे कहती है कि ये लोग बाकी लोगों की तरह नहीं है जिन्हें वो आसानी से मार दें, ये लोग काफी स्किल्ड हैं। ये सुनकर कीथ उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, जेफरी ने उन सबको चॉकलेट दे दी है और अगर वो चॉकलेट खा लेंगे तो वो लोग उल्टियां करने लगेंगे और उन्हें मारने में आसानी होगी। इधर सवाना ग्रैंपा के रूम में जाती है उन्हें सुलाने के लिए, जहां वो उससे कहते हैं कि उन्हें अपने बेटों की चिंता हो रही है क्योंकि इतनी रात हो गई और बाहर ठंड है और वो अभी तक वापस नहीं आए। तो सवाना उनसे कहती है कि वो चिंता ना करें, वो लोग वापस आ जाएंगे। इधर कीथ अपने बेटे जेफरी के पास जाता है जहाँ पर वो उससे कहता है कि जो बड़ा बंदा है बिग मैक वो उससे निपटेगा और बाकी लोगों से वो निपट सकता है, आज वो लोग बहुत ही बढ़िया शिकार करने वाले हैं तो वो तैयार रहे। ये सुनकर जेफरी खुश हो जाता है क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा कत्ल करने वाला था। इधर बिली जब रोड पर अकेला होता है तो उसे कोई भी मदद नहीं मिल रही थी और वो अपने भाई को कॉल किए जा रहा था जो कि उसका कॉल नहीं उठा रहा था, जिससे उसे गड़बड़ लगने लगती है। तो वो अपनी शॉटगन लेकर पैदल ही अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। इधर सवाना जब अपने रूम में आती है तो एमी को देखती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, लेकिन उसके आते ही वो उसके कॉल को कट कर देती है। तभी वो उसके ढेर सारे मेडल्स देखती है और वो उससे कहती है कि क्या वो इतना अच्छा निशाना लगा लेती है। सवाना उससे कहती है कि वो स्पोर्ट में बहुत ही अच्छी है, लेकिन अपने दादा का ख्याल रखने के लिए उसने ये सब त्याग दिया है। उसके बाद सवाना उससे पूछती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड था। तब एमी उससे बताती है कि दरअसल वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में है। ये सुनकर सवाना काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी लड़कियों में ही था, इसलिए वो बेड शेयर करने के लिए भी मान जाती है। इधर जूली और उसके पति ने वो चॉकलेट खा ली थी जिसकी वजह से जूली को बहुत ज्यादा उल्टियां होने लगी थी और वो वॉशरूम में ही रुकी हुई थी।
और उसका पति बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वो उससे कहता है कि वो बाहर निकले क्योंकि उसे वॉशरूम यूज करना है, लेकिन जोली उससे कहती है कि उसकी उल्टियां रुक ही नहीं रही। तभी बिग मैक बाहर चला जाता है और उल्टियां करने लगता है। इधर एमी और सवाना एक दूसरे को किस कर लेती हैं और वहां पर इंटीमेट होने लगती हैं। इधर बिग मैक जब बाहर उल्टी कर रहा होता है तो जेफरी उसके पीछे आ जाता है, जो कि एक चाकू से उसके हाथ पर वार कर देता है, जिससे बिग मैक उससे कहता है कि बच्चे तुम्हें चोट लग जाएगी तो तुम पीछे हो जाओ। लेकिन वो बच्चा रुकने का नाम ही नहीं लेता और वो बिग मैक की टांग भी काट देता है, जिससे बिग मैक को बहुत ही गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि ये कातिल है। वो एक एक करके उसे काटने लगता है, जिससे कि बिग मैक का ढेर सारा खून निकलने लगता है। तभी बिग मैक को गुस्सा आता है और वो एक लकड़ी उठाकर उसे जान से मारने वाला था, लेकिन तभी अचानक उसके पेट में गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से जेफरी एक बार्ब वायर लाता है और उससे वो उसकी गर्दन काटने लगता है, जिससे बिग मैक की मौत हो जाती है। इधर कीथ ग्रैंपा के रूम में जाता है उसे जान से मारने के लिए। तभी वो बाहर से कुछ आवाज आती हुई सुनता है और जब वो बाहर देखता है तो उसे नजर आता है कि उसके बेटे ने बिग मैक को मार डाला है, वो भी उसके मना करने के बावजूद। तभी ग्रैंपा की नींद खुल जाती है और वो उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन तभी वो एक्स से उनके सर पर मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो जेफरी के पास जाता है और उसे तुरंत अंदर आने के लिए कहता है। वो उसे अपने रूम में ले जाता है जहाँ पर उसकी माँ और वो उसे बहुत ही डांटते हैं, क्योंकि उनके बीच में डील हुई थी कि वो उसे मारेगा। लेकिन जेफरी उनसे कहता है कि उसने उस बड़े इंसान को मार डाला है, जो कि उनके लिए खुशी की बात होनी चाहिए। ये सुनकर कीथ उससे कहता है कि वो उस पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करता है और वो उसे ह्यूमन टंग देता है खाने के लिए। उसके बाद कीथ उससे कहता है कि बिग मैक की लाश बाहर पड़ी हुई है, तो उसकी लाश को उन्हें अपने वैन में ले जाना पड़ेगा। इधर एमी जब सवाना के साथ होती है तो वो अपने जूतों से चाकू निकाल कर उस पर वार करने वाली होती है, लेकिन तभी सवाना उसे धक्का दे देती है, जिससे उसका चाकू उसके पैर में ही लग जाता है। ये देखकर सवाना हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर ये चाकू कहाँ से आ गया। तो एमी उससे झूठ बोलती है कि दरअसल वो अपने प्रोटेक्शन के लिए रखती है। उसके बाद वो फर्स्ट एड किट लेने के लिए जाती है, तभी अचानक से उसे कुछ आवाज आती है और जब वो उस आवाज का पीछा करती है तो देखती है कि उस कैंपर वैन से वो कपल बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे थे कि कैसे उस इंसान को उन्होंने जान से मार डाला। कैथलीन कीथ को कहती है कि उसके हाथ पर खून लगा हुआ है और वो उसके हाथ का खून चाट लेती है। सवाना को इससे कुछ गड़बड़ लगती है और उनके जाने के बाद वो उनके कैंपर वैन में चली जाती है, जहाँ पर वो छानबीन करने लगती है और उसे वहाँ पर बिग मैक की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और समझ जाती है कि ये लोग कातिल हैं जिन्होंने उसके फैमिली मेंबर्स को मार डाला है। इधर मैरी जब वॉशरूम में होती है तो उसे वो कटी हुई आंख मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जरूर ये लोग कातिल हैं। वो वहाँ से भाग कर ग्रैंपा के पास जाती है और उसके बाद वो सभी वहाँ पर आकर उसे बंदी बना लेते हैं। कीथ कहता है कि इस लड़की को मारने की जिम्मेदारी कैथलीन लेगी, तो कैथलीन उससे कहती है कि वो किसी को जान से नहीं मारना चाहती, लेकिन वो लोग उसे फोर्स करते हैं। तभी कैथलीन एक चाकू उठाती है, लेकिन तभी अचानक खिड़की से एक उड़ता हुआ तीर आता है, जो कि कैथलीन के गर्दन के आर पार हो जाता है। ये देखकर कीथ और जेफरी हैरान हो जाते हैं और जब एमी वहाँ पर आती है तो अपनी माँ की लाश को देखकर हैरान हो जाती है और वो अपने पिता से कहती है कि ये लोग बहुत चालाक हैं और सवाना एक आर्चरी एक्सपर्ट है और उसने ही यहाँ पर तीर चलाकर उसकी माँ को मार डाला है, इसीलिए वो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। उसका पिता उसे समझाता है कि वो लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो लोग सवाना को भी बुला लेंगे क्योंकि उसकी बहन उनके कब्जे में है। वो जूली को बुरी तरह पीटते हैं और कीथ उससे कहता है कि वो तुरंत अपनी बहन को चिल्लाकर बुलाए, लेकिन जूली उससे कहती है उसकी बहन बहुत ही चालाक है जो कि उन सबको जान से मार डालेगी। तभी कीथ एक चाकू से उसका गाल काट देता है। इधर सवाना चुपके से अपने कमरे में जाकर पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन तभी अचानक कॉल कट हो जाता है और जेफरी उसकी आवाज सुन लेता है और जब वो दरवाजा खोलता है उसे मारने के लिए तो उल्टा सवाना ही उसे मारती है और उसे बंदी बनाकर वो उसके पिता के पास ले जाती है, जहां वो उससे कहती है कि अगर वो उसकी बहन को नहीं छोड़ेगा तो वो उसके बेटे को जान से मार डालेगी। एमी सवाना से कहती है कि वो चाकू को नीचे रख दे क्योंकि उसके पिता बहुत ही खतरनाक है जो कि उसकी बहन को अभी मार डालेंगे, और उसकी बात मानकर वो चाकू को नीचे रख देती है, जिसके बाद
बाद एमी उसको बुरी तरह पीटती है और उसे भी बांध देती है, जिससे सवाना समझ जाती है कि दरअसल एमी उसे पसंद करती ही नहीं बल्कि वो सिर्फ नाटक कर रही थी इंटीमेट होने के लिए। कीथ उन लोगों से कहता है कि वो खाना बनाकर ला रहा है ताकि वो सब मिलकर खा सकें, और वो बिग मैक का मांस का टुकड़ा पकाता है। सवाना ये देखकर समझ जाती है कि ये लोग कैनिबल्स हैं। वो जूली को जबरदस्ती वो खिलाना चाहता है, लेकिन जूली वो मांस नहीं खाती, जिससे कि वो जूली का एक अंगूठा काट डालता है। उसके बाद वो सवाना को कहता है कि अब वो उसे मांस खिलाएगा, लेकिन तभी सवाना उससे कहती है कि उसकी बेटी ने उससे बहुत ज्यादा झूठ बोला है। दरअसल उसकी बेटी एक लेस्बियन है जिसके बारे में उसे पता नहीं है, और उसकी बेटी उसके बेडरूम में उसके साथ भी इंटीमेट हुई है। ये सुनकर कीथ हैरान हो जाता है और वो अपनी बेटी को डांटने लगता है और उसे कहता है कि ये प्रकृति के खिलाफ है। लेकिन एमी उससे कहती है कि वो जैसी है वो वैसे उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेता, तो अब वो उसे कहता है कि वो उसे ऐसे फॉर्म में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे एमी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने पिता को ही गाली दे देती है, और तभी मौका देखकर सवाना अपने आप को छुड़ा लेती है, जिससे वो एक फॉर्क उठाकर कीथ के आंख में घुसा देती है। तभी एमी सवाना पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी बिली वहां पर आ जाता है और वो कीथ को सूट कर देता है। और सवाना जब वहां से जाने की कोशिश करती है तो जेफरी उससे लड़ने लगता है, जहां वो जेफरी के ऊपर किचन में उबलता हुआ पानी गिरा देती है, और उसके बाद वो एक लकड़ी से उसकी गर्दन मोड़ देती है, जिससे जेफरी की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर कीथ के हाथ एक चाकू लगता है, तो वो उस चाकू को उठाकर बिली के सर में घुसा देता है, जिससे बिली की भी मौत हो जाती है। लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो अपने सामने वो जूली को देखता है, जिसके हाथ में एक रॉड होती है, और वो उस रॉड से उसका सर ही कुचल देती है। उसके बाद जूली सवाना के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो वो उसे कहती है कि उसे खुशी है कि वो भी जिंदा बची हुई है। लेकिन तभी अचानक एमी उठती है और चाकू लेकर वो जूली को स्टैब करके जान से मार डालती है, और सवाना जब ये देखती है तो वो उससे लड़ने लगती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। उसके बाद वो एक हथौड़ा उठाती है और उससे कहती है कि वो अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन तभी वहां पर ड्यूपिटी आकर सवाना को सूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सवाना के हाथ में वेपन, इसीलिए उसे लग रहा था कि सवाना ही कातिल है। वो एमी को रेस्क्यू करता है और अपनी कार में बैठाता है और वहां से अपनी टीम को फोन करता है, लेकिन तभी वो दूर खड़ी एक कैंपर वैन को देखता है, और जब वो उनकी कैंपर वैन के पास जा रहा होता है तो एमी उसके पीछे से आकर उस पर अटैक कर देती है और उसे जान से मार डालती है। उसके बाद वो अपनी कैंपर वैन स्टार्ट करती है, और अब वो अपनी फैमिली में अकेली ही बची हुई थी, और वो तुरंत वहां से निकल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।